नीमच की राजनीति में जन्मदिन की राजनीति शुरू हो गई है। अपने अपने नेताओं का जन्मदिन मनाने की होड़सी मच गई है। एक दिन पहले नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार और नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन का जन्मदिन था। दोनों के जन्मदिन एक साथ आने से दोनों का शक्ति प्रदर्शन नजर आया। कैसे मना दोनों का जन्मदिन और किस तरह से हुई राजनीति, देखें यह खबर। नीमच की राजनीति भी गजब है। कुछ साल पहले तक किसका जन्मदिन कब है यह किसी को याद नहीं रहता था, लेकिन सोशल मीडिया आजकल सबको याद दिला देता है। कुछ समय से नीमच की राजनीति में जन्मदिन मनाने की होड़सी मच गई है। होर्डिंग पोस्टर बैनर की तो भरमार हो जाती है और सभी अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए जन्मदिन मनाने में जुट जाते हैं। हाल ही में नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन का जन्मदिन था। दोनों का जन्मदिन एक साथ एक दिन आया। सभी जानते हैं कि दोनों एक ही पार्टी से होकर राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी हैं। विधायक परियार के जन्मदिन की शुरुआत जमुनिया बालाजी के दर्शन करने से हुई, वहीं राकेश जैन के जन्मदिन की शुरुआत जैन मंदिर से हुई। दोनों ने अपने अपने समर्थकों के साथ अपने अपने तरीके से जन्मदिन मनाए। विधायक परियार का जहां जगह जगह बुलाया गया, वहीं राकेश जैन का भी अनेक जगह स्वागत किया गया। विधायक परियार और राकेश जैन दिन भर शहर के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे और शुभकामनाएं बधाई स्वीकारते रहे, लेकिन दोनों एक साथ कहीं नजर नहीं आए। दोनों के समर्थक भी बटे हुए दिखे। जहां विधायक पहुंचे वहां राकेश जैन देरी से पहुंचे, जहां राकेश जैन पहले पहुंचे वहां विधायक परिहार देरी से पहुंचे। उनके समर्थक भी इस तरह बटे हुए दिखे कि एक दूसरे को शुभकामनाएं देने से भी परहेज करते दिखे। विधायक समर्थकों ने ना तो राकेश जैन को बधाई दी और ना ही बैनर पोस्टर लगवाए। वहीं जैन समर्थकों ने भी अपने नेता को तवज्जो दी, ना कि विधायक को। एक ही पार्टी के दो नेताओं के जन्मदिन पर भाजपा दो गुटों में बढ़ती हुई दिखी, जिसकी चर्चा दिन भर शहर में होती रही।